कल 29 अप्रैल है और ऐसी धारणा है कुछ लोगों की कि 29 अप्रैल को पृथ्वी तबाह हो जाएगी, क्योंकि ऐसा कोई पिंड है जो पृथ्वी की ओर तेजी से आ रहा है और पृथ्वी से टकरा सकता है। ऐसे में पृथ्वी अपनी धुरी से इधर उधर जा सकती है। हो सकता है कि पृथ्वी सूर्य की ओर तेजी से बढ़ जाए, हो सकता है पृथ्वी अपनी कक्षा से बाहर की ओर निकल जाए। ऐसे में कल पृथ्वी नष्ट हो सकती है, तबाह हो सकती है। भोर में 5 या 6 बजे संभवतः उम्मीद है कि वो उल्कापिंड पृथ्वी की ओर आ रहा है जो टकरा सकता है। अभी आप कोरोना से परेशान हैं, तभी एक और सूचना जो आपको बताई जा रही है कि 29 अप्रैल को पृथ्वी के बहुत करीब से ये गुजरेगा और ये लगभग 19,000 किलोमीटर प्रति घंटा से इसकी चाल है। अभी आप कोरोना वायरस को ऑलरेडी झेल रहे हैं, ऐसे में एक और प्राकृतिक मार दुनिया को मतलब और एक मतलब समस्यात्मक स्थिति में पहुंचा रहा है। ये एक्चुअली उस उल्कापिंड का नाम 1998 OR2 है और ये कल धरती के बहुत करीब से गुजरेगा। लेकिन ये ऐसी बातें हैं जो आप गूगल पर सर्च करोगे तो आपको दिख जाएंगी 29 अप्रैल के बारे में। मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कल पृथ्वी समाप्त हो जाएगी, मैं आपको वो बता रहा हूँ जो गूगल पर यूट्यूब पर आपको पता है, मतलब आपको बताई जा रही है। हकीकत कुछ और ही है, हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी पिंड पृथ्वी से नहीं टकराने वाला है। और अगर मतलब हमारी आकाशगंगा में लाखों करोड़ों अरबों पिंड हैं, तो अब ऐसे मानकर चला जाए कोई पिंड आकर पृथ्वी से टकरा जाए तो ऐसे थोड़ी ना माना जाता है, वो भी बहुत दूर से जा रहा है। तो इसी को लेकर तमाम प्रकार की स्टोरी बनाई जा रही है, ये बिल्कुल फेक है। और 29 अप्रैल को 5:56 के आसपास ये पृथ्वी के पास से गुजरेगा, नॉट पृथ्वी को टच नहीं करेगा, पृथ्वी से अगर टकराएगा नहीं। उन्होंने बताया है कि साइज़ में बहुत बड़ा है, कुछ साइंटिस्ट ने इस पर अपनी राय दी है। और ये पृथ्वी से टकराएगा तो अरे भाई पृथ्वी से कहाँ टकरा रहा है, उसकी पृथ्वी की अपनी एक अलग मोमेंट है, अलग तरीके की गति कर रही है वो। तो इस प्रकार की चीज़ें हैं, वैज्ञानिकों को यह सोच रहते हैं कि अगर हो सके कि यह अपना रास्ता बदल दे, अपना मार्ग बदल दे, तो अपना मार्ग कोई भी बदल दे ये इतना पॉसिबल ऐसा नहीं होता है। बट यही चीज़ों को लेकर बताया जा रहा है कि अगर वो मार्ग बदल दे, अगर वो पृथ्वी से टकरा जाए तो पृथ्वी तबाह हो जाएगी। ऐसा बहुत बार होता है, सैकड़ों साल में हमेशा ये पृथ्वी से कोई ना कोई पिंड टकराते रहते हैं, छोटे मोटे पिंड टकराते रहते हैं। लेकिन ये इसकी मतलब चौड़ मतलब ये बहुत बड़ा है, पहाड़ जैसा है बिल्कुल। और आज तक के भी इतिहास में बहुत ऐसे कम चांसेस हुए हैं जब पृथ्वी से कोई पिंड टकराया हो। ठीक है, तो अभी इस वीडियो के माध्यम से मैं बता रहा हूँ कि ये बिल्कुल फेक है, झूठ है। ऐसी कोई भी सूचना लीगल नहीं है कि कोई पिंड कल पृथ्वी से टकराएगा। आप भोर में 5 बजे 6 बजे आराम से सोए हुए हैं, उम्मीद लगा रहे हैं लोग कि 5-6 बजे के समय ही ऐसा होने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आराम से सोइए, पृथ्वी तबाह नहीं हो रही, अभी पृथ्वी पर बहुत कुछ है। अभी तो आपका 69,000 भी है, अभी आपको सिलेक्शन भी लेना है। ये जो न्यूज़ है, मैंने भी गूगल पर सर्च किया तो मुझे भी बहुत तमाम प्रकार की इन्फॉर्मेशन कुछ लोगों के द्वारा मतलब साइट्स के द्वारा, रिसर्च के द्वारा दी जा रही हैं। कुछ फेक बता रहे हैं, कुछ सही बता रहे हैं कि बिल्कुल सच है। ऐसा कुछ भी फ़िलहाल कोई भी मतलब एजेंसी जो कि मतलब अप्रूव्ड हो, सही हो, उसने ऐसा नहीं कहा है कि ऐसा कुछ होने वाला है। इसलिए इस तरह की बातों को का खंडन ये गलत है। कल पृथ्वी रहेगी, आप भी रहेंगे, हम भी रहेंगे। मिलते हैं फिर कल।